हेलो गाइस, मैं एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम आईआईटी जैम एंड जेएनयूसी बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस लाई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके वेरियस एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के, एज वेल एज अगर इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपके लिए गेट के लिए भी ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी। हम जानते हैं कि एंटीजन जब एंटीबॉडी से कंबाइन करेगा तो उसकी साइट कहाँ पे होगी, तो वो प्रेजेंट होती है वेरिएबल बहुत ही अलग अलग रीज़न पे। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन। तो इनमें से कौन सा यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन में स्पाइलोसोम इंक्लूड नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन, तो इसका एग्जाम्पल है स्पाइलोसोम, बिकॉज राइबोसोम तो इन्वॉल्व हो गई इसी mRNA एन tRNA, स्पाइलोसोम इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन में। थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको सारी स्टेटमेंट पढ़नी है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उस पर टिक करना है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलर पर्पल आफ्टर ग्राम स्ट्रेनिंग, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता, ये कलरलेस रहते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोर कॉमनली मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबॉडीज देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक्स पे, मतलब कि अगर कोई डिसीज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कर रहा है तो एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता उनकी ग्रोथ पे, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। तो व्हाई इज़ द रीज़न कि ग्राम, तो हम ये पढ़ रहे थे क्यों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते हैं डिसीज, मतलब कि ड्रग से, कि अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, अगर हमने ड्रग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को दी तो उनकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। रीज़न क्या होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, वो रेजिस्टेंट होती है, वो ड्रग को उसके सेलुलर कंटेंट के पास पास ही नहीं होने देती, सो डैट बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म रुकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रोल ऑफ एंजाइम ई सिंथेसाइज्ड बाय फेक 5' × 174 ड्यूरिंग होस्ट इन इन्फेक्शन इज, तो इसका काम होता है पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस को रोक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, आपको मिथेन वाटर अमोनिया एंड फॉस्पिन CH4 H2O NH10 PH2 मॉलिक्यूल दे रखा है, तो इसमें पूछे में इनमें से सबसे कम एस करेक्टर किसके पास होगा, तो सबसे कम एस करेक्टर, तो हम इसको इस तरीके से भी पहचान सकते हैं भाई, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसका एस करेक्टर सबसे कम होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कोवलेंट बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोवलेंट बॉन्ड, तो स्मॉलेस्ट एस करेक्टर इसने बताना है अपने को, स्मॉलेस्ट एस करेक्टर जो इस केस में रहेगा वो PH3 का रहेगा। इसमें आप बॉन्ड लेंथ को लेके भी क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन, द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड, आपको 3 अमीनो एसिड दे रखे हैं X, Y and Z, और कितने pH पे, pH 5 पे आप उनको रिप्रेजेंट करो इस तरीके से कि X, Y, Z क्या हो रहा है, अलग अलग हो जाएगी। आप pH आपको दे रखे हैं 9.87, 3.22 एंड 5.43। तो आप एक बार pH की रीडिंग देखिए, जो हमारा X है उसका pH कितना है 9.87 एंड उसके कम कितना है Z का 5.43, उससे कम कितना है 3.22, जिसका pH ज़्यादा। अब pH ज़्यादा होने का मतलब क्या है, pH ज़्यादा होने का मतलब है, बट द देखिए pH ज़्यादा मतलब कि उसका बेसिक करेक्टर ज़्यादा, और बेस किसकी तरफ मूव करता है, बेस मूव करेगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगानी है। याद रखिएगा कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी, माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस होता, इफ़ अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इसके अंदर सिंपल मैट्रिक्स सॉल्व करना है, और मैट्रिक्स सॉल्व करने का जो क्या कहते हैं आर होगा, यहाँ पे हम आर को कुछ इस तरीके से लेंगे कि
तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जितने कॉलम इसके पास होएगे मल्टीप्लाई में जितनी इसकी रो होगी, तो कॉलम मल्टीप्लाई में रो टू, मल्टीप्लाई में थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एवरेज डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल टेम्परेचर दे रखा है टी पे 552 केबीटी। तो केवी यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो एवरेज एनर्जी बतानी है मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केबीटी। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखा है डायमंड का 2.419, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको स्पीड बतानी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। इसमें आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं वैक्यूम, तो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो फिर यहाँ पे 2.4 है, वैक्यूम में होती है हमारी 10⁸ अपॉन में हमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना, हम इसको वी ले लेते हैं। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ओनली इन प्रोकैरियोट्स। इनमें से कौन सी चीज ट्रू है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रोकैरियोट्स में, तो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, दोनों के अंदर कपल्ड हो जाते हैं, एक साथ होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों के दोनों एक साथ होती है। मैच द एंट्रीज इन ग्रुप वन विद डेट ऑफ ग्रुप टू। ग्रुप वन को आपको ग्रुप टू के साथ क्या करना है, बिल्कुल मेजर करना है। तो लेट अस स्टार्ट, फाइटेज लेकेज एंड ब्रोमिलीन। तो पी का 4 रहेगा, जो फाइटेज होता है वो क्या करता है, फाइटेज इम्प्रूव करता है मिनरल अवेलेबिलिटी को। तो फाइटेज का काम होता है जो भी मिनरल्स अवेलेबिलिटी है उसको क्या करना, इम्प्रूव करना। जैलेनेस का काम क्या होता है, पेपर एंड पल्प प्रोसेसिंग, पेपर और पल्प में प्रोसेसिंग कर। लैकेज का काम होता है डिग्रीनिकेशन का। ब्रोमेलिन का जो काम होता है वो होता है ग्लूटेन कॉम्प्लेक्स रिडक्शन का। क्वेश्चन नंबर 13, तो अगर एक एल्डोल क्लीवेज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो ग्लाइकोलिसिस में क्या बनेगा, अनइक्वल कार्बन की चैन बनेगी। द नेचुरल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंगारूस इज लिमिटेड टू ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बिकॉज डिस्पर्सल इज लिमिटेड बाय एक्सेसिबिलिटी टू अदर कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लॉविंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट म्यूटेशन। ब्राइट कलर ऑफ ब्लड पोलिनेटेड फ्लावर।